भारत का एक अपना नजरिया है दुनिया को देखने के लिए। किसी की यारी दोस्ती बढ़ जाए तो फिर किसी को दिक्कत हो जाए। चाइना रूस का जो कैंप है ये अलायंस नहीं है, ये अलाइनमेंट है। हर कहीं चर्चा है कि नाटो ने अब एशिया में भी अपने विस्तार को तेज कर दिया है। अपनी 75th एनिवर्सरी पर सभी सदस्यों की मीटिंग के दौरान उन्होंने काफी बड़े फैसले लिए और उसमें जो सबसे बड़ा फैसला था वो ये था, और इसलिए था जिससे चीन की पावर देश और दुनिया में कम की जा सके। अब इसके लिए नाटो ने एशिया से 4 देशों को चुना है और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन चारों देशों में भारत का नाम कहीं नहीं है। तो इस सब में भारत का नाम क्यों नहीं, इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी जी से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू समृद्धि जी। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि चीन को रोकने के लिए नाटो ने 4 एशिया के देशों को चुना है, पर उसमें भारत का नाम क्यों नहीं है? भारत का भी एक जो कह सकते हैं दुश्मन चीन देश रहा ही है, तो उसमें भारत का नाम क्यों नहीं है? देखिए, ये कॉटिलियन फॉर्म ऑफ जो पॉलिटिक्स थी कि माई इनमेज इनमेज माई फ्रेंड, ये अब रिलेवेंट नहीं रहा। माई इनमेज फ्रेंड इनमी ऐसा नहीं हो सकता है। अब शत्रु का शत्रु मेरा मित्र नहीं हो सकता है। ये जो वर्तमान परिदृश्य है, आपने बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि आखिर भारत तो इस नेटो में क्यों नहीं जा रहा या इन्विटेशन क्यों नहीं मिला। भारत अपनी आज़ादी के बाद से ही जो अलायंस ड्रिबन पॉलिटिक्स थी, अलायंस ड्रिबन पावर पॉलिटिक्स थी, उसको फिलोसफिकली डॉक्ट्रिन के रूप में इसको रिजेक्ट किया है। और उसका एक सबसे बड़ा फिलॉसफी भारत के पास थी उस समय स्ट्रेटजिक इकोनॉमी, जिसे सामरिक स्वायत्तता कहते हैं। और ये जो सामरिक स्वायत्तता थी ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के रूप में डिफाइन हुई। पूरे शीत युद्ध कोल्ड वार में जब 40 से 50 साल पूरा सोवियत यूनियन बनाम अमेरिका चल रहा था, और उस समय जब नाटो बना 1949 में, उस समय वार्सा भी आया, वार्सा ऑर्गेनाइजेशन था, वो सोवियत यूनियन की तरफ से आया। अच्छा। तो एक तरफ वार्सा, एक तरफ नाटो, दोनों मिलिट्री अलायंस थे जो सिक्योरिटी डिफेंस के लिए बने थे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी देंगे अपने मेंबर स्टेट्स को लेकर के। 90 में वार्सा का वो हो जाता है, कोलैप्स करते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो कोल्ड वॉर एंड होता था, बट नाटो अभी भी बना होता है। अब सवाल आपका है कि भारत क्यों नहीं, तो जो भारत की फिलॉसफी में ही नहीं है कि हम पावर रिडन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। पहला, हम किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे क्योंकि भारत का एक अपना नजरिया है दुनिया को देखने के लिए। और आज के कॉन्टेक्स्ट में बोले, इवन मैं आपको बता दूं, जब भारत क्वाड का मेंबर बना और क्वाड में ये कहा जाना लगा कि क्वाड इज डिफाइंड एज एशियन नाटो इज ए कंसर्ट ऑफ पावर्स, तो थोड़ा सा चाइना ने फ्यूल किया रशिया को कि देखिए भारत आपका बहुत अच्छा मित्र है और क्वाड का मेंबर बन रहा है। क्वाड इज डायरेक्टेड अगेंस्ट चाइना एंड रशिया। भारत ने, इंडिया मेड इट क्लियर कैटेगोरिकली कि देखो ऐसा नहीं है, हम इसके क्वाड के जो मेंबर है वो इकोनॉमिक और ट्रेड के प्रस्पेक्टिव से मिलिट्री अलायंस के रूप में हम यहाँ नहीं। भारत दुनिया में किसी मिलिट्री अलायंस का ऐसा कोई सदस्य नहीं है। भारत जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर के भारत उनके साथ जुड़ता है, वहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट के साथ, वहाँ पोलिटिकल एस्पेक्ट के साथ जुड़ता है, मिलिट्री अलायंस के साथ। तो फिलोसफिकली यह मैच नहीं करता, पहली बात। दूसरा, मैंने बताया कि भारत की एक जो ट्रेडिशन थी उसकी फॉरेन पॉलिसी की, कि हम अपनी सामरिक स्वायत्तता, जब वंस यू आर कनेक्टेड विद दैट अलायंस पॉलिटिक्स, तो आपकी सामरिक स्वायत्तता खत्म हो जाती है। और ये सामरिक स्वायत्तता का जो सवाल है, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं जो अभी भी लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, इकोनॉमिक आज़ादी के लिए, जो एक तरफ से तो चाइना की वन डिप ट्रैप पॉलिसी है, दूसरी तरफ चाइना का BRI, दूसरी तरफ अमेरिका का जो हेजमनी है WTO और IMF, वर्ल्ड बैंक का जो करके अमेरिका की, तो इन दोनों से ग्लोबल साउथ हमेशा से एक विक्टिम रहा है 1950 के बाद से लेकर के। अब भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ की एक अपनी मुखर आवाज बने, अपनी आवाज तब बनेगी जब आपके डिसीजनल ऑटोनॉमी होगी, निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी, और निर्णय तब ले पाएंगे जब आप इकोनॉमिक पावर। बिल्कुल। एक सवाल मेरे मन में यह है कि सर, देखा जा रहा है कि दो देशों की दोस्ती हो गई, चीन और जो रूस की, उससे जो 32 देशों का जो संगठन है नाटो, वो इतना सहम क्यों गया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सहम गए हैं। देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा 75th एनिवर्सरी जो हुई, मनाई गई, उसमें मेन जो मुद्दा था वो चीन ही था।
देखिए इस समय समृद्धि जी आपको हम बताएं, जो इस समय दुनिया है दो फिनोमेना को लेकर के चल रहे हैं, जो ऑर्डर का जो नेचर है प्रकृति वो दो तरह का है जी। एक तो 1945 के बाद जो लिबरल ऑर्डर बना जिसे हम यूरोसेंट्रिक ऑर्डर बोलते हैं, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है। दूसरा जो इस ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है वो साइनोसेंट्रिक ऑर्डर, वो चाइना लीड ऑर्डर है इस समय वर्तमान में। वर्तमान में चाइना, रूस, ईरान और यमन, लेबनान, इस तरीके के नॉर्थ कोरिया, ये एक ऐसे कंट्री हैं जो अमेरिका ऑर्डर, अमेरिका के जो ग्लोबल ऑर्डर है उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, और इसको हम कहते हैं साइनोसेंट्रिक ऑर्डर। और एक तीसरा ऑर्डर है जिसको भारत आवाज़ देता है, वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर ग्लोबल साउथ का है, वो ऑर्डर है इनक्लूसिव ऑर्डर। और इसलिए मैं आपको इसका बहुत अच्छा एक इसका रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। 2022 में डॉक्टर एस जयशंकर जी के साथ, उनके साथ सवाल किया गया ग्लोबसेक प्रोग्राम में स्लोवाकिया में कि आप चाइना आपका दुश्मन है, यदि आप हमारा साथ नहीं दोगे चाइना आपको खा जाएगा। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि चाइना आज की तो दुश्मन है नहीं, चाइना तो हमेशा से प्रॉब्लम करता रहा है। तो वी आर नॉट सिटिंग ऑन द फेंस, वी आर सिटिंग ऑन आवर ओन साइट। इंडिया इज एंटाइटल्ड टू हैव इट्स ओन चॉइस। तो सवाल आपने जब किया कि चाइना और रूस की दोस्ती से पूरक नेटो घबरा गया है, तो दरअसल दोनों जो कैंप है इनके वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चाइना रूस का जो कैंप है ये अलायंस नहीं है, ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट अलायंस में अंतर होता है। अलाइनमेंट इसलिए है क्यों? क्योंकि ये एंटी वेस्ट हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन है। वो कॉमन क्या है कि इनका दुश्मन एक है, भारत एंटी वेस्टर्न नहीं है। इंडिया इज अ नॉन वेस्टर्न, इंडिया वांटेड टू एस्टैब्लिश नॉन वेस्टर्न ऑर्डर, नॉट एंटी वेस्ट। बिल्कुल। एक सवाल और है कि आपको क्या लगता है कि जो अभी 75th एनिवर्सरी मनाई गई है, क्या ये कोल्ड वॉर 2.0 को ट्रिगर कर सकता है? अब बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल किया, कोल्ड वॉर टू, दैट मीन्स न्यू कोल्ड वॉर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लेते ये दूसरे कोल्ड वॉर की शुरुआत है। तो मैं मानता हूँ कि ये ऑब्वियसली जिस तरीके का 1949 से ले 48 से लेकर के 1990 तक जब दुनिया पोलराइज थी ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल कैंप, नो डाउट आज भी दुनिया पोलराइज है। द ग्लोबल ऑर्डर इज हाईली पोलराइज टूडे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर। अब सवाल आइडियोलॉजी का नहीं है। वही आईफोन चाइना में यूज होता, वही आईफोन रशिया में यूज होता, वही यूएसए में, वही यूरोपियन कंट्री में। दैट मीन्स आइडियोलॉजिकल फाइट नहीं है, अब फाइट है पोलिटिकल फाइट है, अब फाइट है इकोनॉमिक वर्चस्व को लेकर के, अब फाइट है आपके ऑर्डर को लेकर के, किसकी चलेगी, क्या अमेरिका की चलेगी या चाइना की चलेगी। और इसलिए मैं कहूँ कि अब इस पोजीशन में, यहाँ पर पहले सोवियत यूनियन था, अब उसकी जगह पर चाइना ने ले लिया है, और चाइना के साथ में मैंने आपको रशिया को बताया। तो एक कह सकते हैं कि एक तरह से शुरुआत है, लेकिन ये जो कोल्ड वॉर वो था वो नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल था वैचारिक रूप से। अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आइडियोलॉजिकल आपका अलाइनमेंट नहीं है, अब आपके राष्ट्रीय हित एक जैसे मिलते हैं, आपके नेशनल इंटरेस्ट मिलते हैं। अमेरिका आपका कॉमन एनिमी है तो रशिया आ गया, नॉर्थ कोरिया भी, पुतिन कहाँ जाए, जब रशिया यूक्रेन वॉर के पहले पुतिन बीजिंग जाते हैं, वॉर जब चल रहा होता है तब बीजिंग जाते हैं, नॉर्थ कोरिया जाते हैं, हाँ समझ रहे हैं आप। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि उनका जो अलाइनमेंट, मैंने आपसे कहा कि ये अलाइनमेंट बहुत कॉमन है, वो कॉमन है कि अमेरिका विरोध, एंटी वेस्ट। बिल्कुल। एक और सवाल है कि अभी मोदी और पुतिन की मीटिंग के बाद भारत में एक अमरीकी राजदूत एरिक ने एक बयान दिया, मैं बयान पढ़ूंगी, कि भारत और अमेरिका संबंध पहले से अधिक गहरे हैं, लेकिन ये इतने भी गहरे नहीं है कि इन्हें हल्के में लिया जाए। तो ये जो पूरा बयान है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये एक, आप यदि सामान्य भाषा में दिल्ली में किसी व्यक्ति को हम समझाएं तो ये वही है कि किसी की यारी दोस्ती बढ़ जाए तो फिर किसी को दिक्कत हो जाती है। ये वही है। हाँ, अमेरिका को भारत और रूस की जो यारी है, दोस्ती है, ये दोस्ती का पैगाम है, वो कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा। जिस तरीके का मोदी साहब का स्वागत हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी का रेड कारपेट वेलकम होता है वहाँ पर,
और ये जो टाइमिंग को लेकर जब ये 75 एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उस समय पुतिन के खिलाफ पूरा वहाँ एजेंडा बना रहे हैं, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने मित्र के घर में हूँ, मुझे यहाँ सहजता फील होती है। मेरे भारत का हर हिंदुस्तानी से पूछो कि आपका सबसे बड़ा सखा कौन है, आपका मित्र कौन है, आपके दुख सुख का साथी कौन है। इस तरीके की भावनात्मक बातें, इस सीमेंटिंग जो बातें हो रही थी वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही थी मॉस्को में, जिस समय पूरा का पूरा पश्चिमी देश अमेरिका के नेतृत्व में इस बात पर योजना बना रहे थे कि रूस को कैसा रोका जाए। तो उन्होंने कहा, गर्सिटी जी ने ये कहा, जो एरिक गर्सिटी हैं उन्होंने कहा कि देखिए आप हर बात कह देते हैं कि ये हमारी सामरिक स्वायत्तता है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, लेकिन ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आप यूं ही नहीं बोल के बच सकते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत कन्फ्लिक्ट का चल रहा है, उस दौर में आपकी जो यारी है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। बस मैं इसका तो इतिहास देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ये संगीन आरोप है भारत पर, भारत की फिलॉसफी विवाद के डॉक्ट्रिन पर। स्ट्रेटजिक इकोनॉमी का जो कंसेप्ट आया 1900 मैंने कहा आज़ादी के बाद से आया, और हमारी इस फिलॉसफी में आज एरिक गर्सिटी के पहला बयान नहीं है, ये 1950 से लेकर के आज तक पूरे 75 सालों के इतिहास में अमेरिका हमेशा बेचैन रहा। वो बेचैनी का मत थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा अपनी बात को। वो बेचैनी इस तरीके थी कि जब 1950 में भारत आज़ाद होता तो भारत ने कहा कि देखिए अभी अभी नई नई आज़ादी मिली है, अब आप कह रहे हो कि हमारे साथ आ जाओ, सोवियत यूनियन कह रहा हमारे साथ आ जाओ, हम इतनी मूल्यवान आज़ादी को हम किसी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, हम अपना अलग राह अपनाएंगे, वो होगा नॉन अलाइनमेंट, हम अलाइंड नहीं होंगे किसी के साथ। लेकिन ये तो बात पॉलिटिकल रही, वास्तविक बात ये थी कि हमारे पास कुछ था नहीं। तो जब हम पर 1950 से 55 का दौर था, यहाँ हम थोड़ा सा सोवियत यूनियन के करीब जाते हैं, और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि क्योंकि 48 के बाद से ही भारत पर हमले होने लगे, किस तरह के हमले, एक वैचारिक हमले होने लगे, और कश्मीर इशू पर भारत और रूस के भारत सोवियत यूनियन के संबंध के बारे में तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चोव एक स्टेटमेंट देते हैं, वो देते हैं, एक ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी था, एक भावनात्मक लगाव भी था, वो ये था कि वी आर सो क्लोज, इवन इफ यू कॉल अस फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स वी विल अपीयर एट योर साइड। ये जो सवाल था कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े अपनी पर्वतमाला पर चढ़ करके पुकार देना, सोवियत यूनियन आपके साथ है। और वही भारत 1962 में आदरणीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने क्या लिखते, कैनेडी को लेटर लिखते हैं कि ये समय बहुत नाजुक है, चाइना ने अटैक कर दिया है, हमें आपका सहयोग चाहिए। तो देखिए हम इस तरीके का दोनों से सहयोग लेते रहे। 1971 में हमारे साथ मैत्री होती है रूस के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, और अमरीका पूरी तरह से हमसे चिढ़ जाता है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट जब इंडिया करता तो बैन लगाता है, इस तरह से इकोनॉमिक सेंक्शन करता है। तो अमरीका के इतिहास है कि जब भारत ने बोल्ड स्टेप लिया है, अपनी मुखर आवाज रखी है, तो अमेरिका ने दबाने की कोशिश की है, हमने नहीं माना। अब मैं वर्तमान संदर्भ में आना चाहूंगा। वर्तमान संदर्भ यह है कि भारत ने कह दिया है कि भारत की जो पॉलिसी है वो इशू बेस्ड अलाइनमेंट है, हम दुनिया के हर देश से इंगेज होंगे, इंटैंगल्ड नहीं होंगे। नाउ इंडिया इज इंगेज नॉट इंटैंगल्ड, नाउ इंडिया इज ए पोजीशन टू रिस्ट्रक्चर द ग्लोबल ऑर्डर। आज भारत दुनिया के डिस्कोर्स बदलने की क्षमता रखता है, और वो डिस्कोर्स यही कारण है कि हमारे जो आदरणीय विदेश मंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं कि नाउ इंडिया इज इंटाइटल्ड टू हैव इट्स ओन वॉइस, ओन चॉइस, हमारी भी कोई चॉइस, और चॉइस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। और जब आप क्यों कहते हो कि स्वतंत्र विदेशी नीति, आप अपने आप को स्वतंत्र क्यों कहते हो? स्वतंत्र होने की पहली शर्त यही है कि हमारे निर्णय में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यदि हम भारत की तरफ, यदि हम रूस की तरफ झुकते हैं, रूस से गले मिलते हैं, रूस से S-400 डिफेंस डील करते हैं, ईरान से चाबहार पोर्ट में डील हमारी होती है, ईरान से संबंध होते हैं, तो यदि अमेरिका के दर्द है तो उस दर्द को हमें ज़्यादा उस पर विचार नहीं करना चाहिए, उस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। एक एरिक ने और बयान दिया था, उन्होंने कहा कि संघर्ष के समय में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो एक बार मैं ये समझना चाहूँगी कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आखिर है क्या।
और सिंपल शब्दों में कहूं, अभी मैं वही डिफाइन कर रहा था कि स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी डिसीजनल एटोनॉमी होती है, निर्णय लेने की स्वायत्तता। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे S-400 चाहिए, इफ S-400 डिफेंस डील भारत से रूस से कर रहा था तो अमेरिका हम पर दबाव बना रहा था। जब चाबहार पोर्ट को हम फाइनलाइज कर रहे थे, जब हम ईरान से बात कर रहे थे, हम पर सैंक्शन लगा रहा था। जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहा, वो हम पर सैंक्शन लगा रहा। जब इंडिया ने कैटेगोरिकली क्लियर किया कि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कंज्यूमर एनर्जी कंज्यूमर कंट्री हैं, हमें डिस्काउंटेड ऑयल चाहिए और रूस उसमें सबसे अच्छा देश है, तो उसको दर्द हुआ। बिल्कुल, उसको यही है जो आप कह रही हैं कि डिसीजनल जो इकोनॉमी है, ये इसी को हम स्ट्रेटजिक इकोनॉमी कहते हैं, सामरिक स्वायत्तता कहते हैं कि सामरिक मुद्दों पर हम स्वायत्त हैं, इंडिपेंडेंट। ओके सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऐसी और जानकारी के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें india.com।